चीला में 5 फॉरेस्ट अधिकारियों की जान लेने वाले हादसे को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने व्हीकल कंपनी और ड्राइवर की लापरवाही बताया। आज हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर मृतक महिला अधिकारी आलोकी का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार में वन मंत्री सुबोध उनियाल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी सीनियर अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से SDO आलोकी को विदाई दी। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि वे खुद भी गाड़ी का ट्रायल कर चुके थे। सोमवार को राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारी भी ट्रायल पर थे। दुर्घटना के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मामला ड्राइवर की लापरवाही और रैश ड्राइविंग का लग रहा है। वन मंत्री ने कहा कि मामले की तकनीकी जांच की जा रही है, जांच के बाद सभी कारण स्पष्ट हो सकेंगे। वन मंत्री ने कहा कि विभाग ने अपने 5 होनहार अधिकारियों को खोया है, इसलिए उनकी याद को अमर बनाने के लिए विभाग के द्वारा कोई स्मारक बनाया जाएगा। ये ट्रायल पे था, मैं भी खुद इसमें 22 या 23 तारीख को मैंने भी इसमें ट्रायल ली थी। इसके बाद ये उसी दिन सुबह डायरेक्टर राजा जी और हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वाले उन्होंने भी ट्रायल ली थी। ये लोग भी ट्रायल पूरी कर चुके थे। ट्रायल के बाद तो ये मेन रोड पे आ गए थे और मेन रोड पर आके कहीं ना कहीं ये जिस तरह से उनकी बातें करके लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब रिस्क मत लो, और जिस तरह बता रहा है कि 45 डिग्री पहाड़ में चल लेती है गाड़ी, उसी दौरान कहीं ना कहीं जिस ड्राइवर का ध्यान बटा है और ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल, उसने स्पीड तो दे दी पर गाड़ी को संभवतः कंट्रोल नहीं कर पाया। कहीं हम लोग तो पूरा घटनास्थल में गए, आप भी गए, देखा जिस तरह से गाड़ी करीब 50 मीटर पहले सड़क छोड़ करके गाड़ी गई है अंदर को, उसके बाद वो पहले कुछ पेड़ों से टकराई, फिर वहाँ पत्थर से उछल के गई, फिर पेड़ से टकरा करके नहर की तरफ पैरा फिरते टकराई, जिसमें हमारी SDO का निधन हुआ। तो ये सब चीज़ें गाड़ी, देखिए गाड़ी के मार्ग, गाड़ी तो ट्रायल में थी, अब गाड़ी की जो टेक्निकल इश्यू है वो टेक्निकल जांच के बाद ही बताया जा सकता है कि गाड़ियों में कमियां थी या नहीं थी। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।